भक्ति यदि भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति यदि पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। आज आपको प्रभु की महिमा क्या होती है, किस तरीके से ये हमारे जीवन में रची बसी है, ये आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक मोहल्ले में दो पड़ोसी रहते थे। एक पंडित जी थे जिनका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। वो रात दिन प्रभु का नाम जपते रहते थे और कहते थे कि मुझे तो राम नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, मेरे भोजन की व्यवस्था भी मेरे राम करते हैं, मेरे घर की सारी व्यवस्थाएं राम देखते हैं। और एक व्यक्ति था जो नौकरी पेशा था, अपनी रोज की रोज मर्रा की दौड़ धूप भाग दौड़ से परेशान था। पंडित जी अक्सर शाम को ढोलक ले लेते, बजाने लगते और भजन गाने लगते। जब वो नौकरी से वापस लौटता था वैसे ही थका हारा होता था। ऊपर से उसे ये लगता था कि ये पंडित जी इतना शोर कर रहे हैं जिससे मेरा माथा और ज्यादा ठनक जाता है। एक दिन तो हद ही हो गई, रात हो गई और पंडित जी लगे थे भजन गाने के लिए, राम नाम जपने के लिए। उसने सोचा आज तो मैं पंडित जी को बोल के ही रहूंगा कि इसके कारण से मेरा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। जैसे ही 9-10 बज गए, अभी भी पंडित जी का जो है भजन चालू था, उन्होंने जाके दरवाजे खटखटाए। पंडित जी उठ के आए और उन्होंने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा पंडित जी प्लीज आप इतना मत बजाया करिए। बोले मैं तो राम नाम ले रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ इसी से ही चलता है, प्रभु के द्वारा ही मुझे भोजन मिल रहा, मेरी हर समस्या का हल है। बात बढ़ते बढ़ते इस तक पहुंच गई कि वो कहने लगी क्या राम नाम जपने से ही सब कुछ होता है? ऐसा नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। यदि हम काम नहीं करेंगे सिर्फ राम का नाम जपेंगे तो हमें कहीं से भोजन मिल नहीं जाएगा। पंडित जी ने कहा विश्वास तो करिए, हर चीज की व्यवस्था प्रभु ही करते हैं। बात इस बात मुद्दे पे आके वहीं ठहर गई। उन्होंने कहा एक बार आप राम नाम लीजिए और देखिए कि प्रभु आपके लिए क्या कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी जो था काफी बहस के बाद मान गया। उसने कहा अच्छा चलिए अब हम यही देखते हैं, हम राम का नाम लेंगे और प्रभु आज मुझे किस तरीके से भोजन खिलाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। पंडित जी बोले नहीं, प्रभु ही सब कुछ करते हैं और प्रभु आज आपको भोजन करवाएंगे। वो व्यक्ति जो था बैठ गया। उसकी पत्नी ने कहा, सब ने कहा, लेकिन उसने भोजन करने से इनकार कर दिया कि उसको तो आज भोजन करना नहीं है। इवन वो घर से भाग के जंगल की तरफ चला गया कि वहां उसे कोई भी ना मिल पाए, कि उसे उससे ये कह पाए कि भोजन करना, ताकि वो पंडित जी को झूठा साबित कर दे कि आपने कहा था राम का नाम लो, पेट तो भरेगा, भोजन तो अवश्य मिलेगा। ऐसा देखते 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 वो घने जंगलों की तरफ चला गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया ताकि उसे कोई देख ना पाए। वहां से व्यापारियों का एक झुंड निकल रहा था जो अपने साथ खाना पीना इसके अलावा काफी हीरे जवाहरात भी लिए था। वो उसी पेड़ के नीचे आके बैठे जहाँ पे वो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ था। उन लोगों ने खाना बनाया, सोचा कि यहाँ बैठ के खाना करेंगे। तभी उन्हें कुछ ऐसी सुगबुगाहट की आवाज लगी। उन्हें ऐसा लगा कि इस रास्ते से डाकू वगैरह गुजरते हैं, शायद वो आ रहे हैं। उनके साथ काफी ज्यादा धन भी था। उन लोगों ने वो भोजन वहीं बना हुआ छोड़ा और वहां से भाग गए कि ऐसा ना हो कि डाकू उनके ऊपर आक्रमण करते। भोजन वहीं पड़ा रहा। डाकू वहां आए, इतना स्वादिष्ट भोजन चारों तरफ था बना रहा था, लेकिन किसी ने खाया ही नहीं। भोजन देख के उनका मन खाने को हुआ, लेकिन वो उनके जो सरदार थे, जैसे ही लोग खाने की तरफ आ गए उन्होंने कहा नहीं भोजन मत करना, हो सकता है किसी को ये मालूम हो कि ये हमारा ही इलाका है, हमारा ही रास्ता है, हम यहाँ से गुजरते हैं। उन लोगों ने अवश्य भोजन में कुछ ऐसा मिला दिया होगा जिससे हम खाएंगे और मर जाएंगे। जितने भी डाकू थे काफी शंकित हो गए और उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। अब उन लोगों ने ये कहा कि ये भोजन किसी ने तो बनाया है, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने ये भोजन बनाया है और सबसे पहले हम उसको ही ये भोजन करवाएंगे। सबने ढूंढा, कोई ना मिला। तभी डाकुओं का जो सरदार था उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। देखा एक व्यक्ति ऊपर छुपा बैठा हुआ है। वो उसे पकड़ के नीचे ले आए। उन्होंने कहा इसी व्यक्ति ने भोजन मिलाया है और बनाया है, और इसी ने इस भोजन में निश्चित ही कोई जहर मिलाया है जिससे हम मर पाए। वो लाख मना करता रहा, लेकिन डाकू मानने लगे कि तुझे तो ये भोजन सारा पहले टेस्ट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। वो भोजन खाता जा रहा था, खाता जा रहा था और कहता जा रहा था मन मन, हे प्रभु ये आप ही मुझे भोजन करा रहे हो,
क्योंकि मैंने तो ये सारी व्यवस्था कर ली थी कि आज मैं भोजन ना करूं और आपके नाम को झूठा साबित कर दूं। बिल्कुल सही बात है, ये राम नाम की महिमा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ राम नाम लें और काम ना करें। आप जो भी काम करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ करिए, पूरी मेहनत के साथ करिए। बस आप जिस स्वरूप में भी ईश्वर को याद करते हैं उसमें उनका नाम लेते रहिए, अपनी भक्ति दिखाते रहिए। आप देखेंगे कि आपको काम के साथ साथ दुगनी तरक्की तो मिलेगी ही, परम शांति भी होगी और प्रभु का साथ आपके मन विश्वास को उतना ही दृढ़ करता रहेगा। एक बार फिर कहती हूँ आपसे, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।